और हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों फ्री क्लासेस के बारे में कि कौन कौन सी फ्री क्लासेस है, कितनी फ्री क्लासेस है, कहाँ कहाँ पे आपको दोस्तों मिलने वाली है। तो सबसे पहली बात तो दोस्तों ये देखिए कि आपको पहले अपने घर पे रहना है और दोस्तों आपको सीखने की बहुत जरूरत है क्योंकि अभी लॉकडाउन वाली कंडीशन है। काफी सारे बच्चे हैं जो कि यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, काफी सारे बच्चे हैं जो कि डिमांड करते हैं कि सर अनअकैडमी के ऊपर भी फ्री क्लासेस जो है वो कहाँ पे मिलेगी, क्योंकि ऑब्वियस बात है कि हर कोई पे नहीं कर सकता है, समझ रहे हो ना। तो ये जो पे नहीं कर पाते हम लोग, तो लेकिन हमें पढ़ने का तो ऑब्वियसली बनता ही है दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसी को लेकर दोस्तों आपके लिए एक धमाका है जो कि यहाँ पे लाए गए, जितने भी एग्जाम है आपके, चाहे बैंक हो, चाहे SSC हो, चाहे CBS हो, DRDO, रेलवे, डिफेंस हो गए, स्टेट के PCS एग्जाम हो गए, UPSC के एग्जाम हो गए, स्टेट SSSC के एग्जाम हो गए, सभी एग्जाम्स के दोस्तों आप यहाँ पे बहुत अच्छी तैयारी है जो कि कर सकते हैं डेली फ्री क्लासेस के अंदर। अभी दोस्तों जो फ्री क्लासेस आपको मिल रही है वो कहाँ पे मिल रही है ये आपको पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये दोस्तों फ्री क्लासेस का अनाउंसमेंट है जो कि आप लोगों के लिए मैं और हितेश सर आपको आने वाले 10 मिनट के अंदर करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं कि फ्री क्लासेस आपको कहाँ पर मिलेगी, और एक बार गाइस वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में ताकि और भी बच्चे ज्वाइन कर सके। क्या बताओगे हितेश सर एक बार इन फ्री क्लासेस के बारे में? तो यहाँ पर देखिए ये जो इन्फॉर्मेशन है जो सर बता रहे हैं ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, और मुझे लगता है कि पूरे भारतवर्ष के बच्चों को अनाउंसमेंट कल भी मिला था और आज और भी मिल रहा है, तो कंप्लीट पैकेज मिल रहा है आपको। आप लोगों का जो कंप्लेन था कि सर फ्री में नहीं कर रहे हो, फ्री में नहीं कर रहे हो, तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। और अनअकैडमी पे अब आपका जो है फ्री सेशन भी चलना शुरू हो गया, तो आपका जो फ्री सेशन है वो लॉकडाउन में बहुत ज्यादा आपको फायदा पहुंचाएगा। और आप एक चीज ध्यान में रख लीजिए कि लॉकडाउन के खत्म होते ही सारे एग्जाम्स लाइनअप हैं, चाहे जिस भी राज्य का एग्जाम अटका हुआ है या JEE का एग्जाम अटका हुआ है, CHSL का अटका हुआ है, स्टेनोग्राफर का अटका हुआ है, तो जो भी एग्जाम्स हैं वो कंडक्ट होगा ही होगा। लेकिन चूंकि हम लोग पहले सेफ रह लें, घर में रह लें, कोरोना को देश से भगा लें, एक केस भी अगर बचता है तो हम लोग सुरक्षित नहीं है। तो यहाँ पर अभी मई तक तो कुछ भी मत सोचिए, जून के बाद ही आप कुछ भी सोच सकते हैं। कैसे कहेंगे आप भुवनेश सर? बिल्कुल, देखो यहाँ पे काफी बच्चों के सर सवाल आ रहे हैं कि रेलवे ने मना कर दिया है NTPC और ग्रुप डी की नई भर्ती के लिए। गाइस एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि नई भर्ती के लिए मना किया है, पुरानी के लिए नहीं किया है। यहाँ पे काफी बच्चों के मिथ है, काफी सारे बच्चों के डाउट भी आए हुए हैं कि सर है ना ऐसा नोटिफिकेशन आया है। देखो पहली बात तो ऑफिशियल कुछ ऐसा आया नहीं है, लेकिन जिस बारे में ये बात हो रही है कि क्या ऐसा होने वाला है जिसमें रेलवे के बारे में बात हो रही है, देखो बात ऐसी है कि पहली बात तो आपकी वैकेंसी नई नहीं है, पहली बात तो आपका फॉर्म भरे हुए एक साल से भी ज्यादा हो चुका है। तो पहली बात तो आप ये मत बोलिए कि आपकी वैकेंसी कोई नई वैकेंसी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी वैकेंसी पुरानी वैकेंसी है जिसके आपने फॉर्म भी फिल कर दिए हैं, जिसका सिलेबस भी डिस्कस हो चुका है, जिसको लेकर सारी बातचीत हो चुकी है। तो अगर रेलवे ने ये बोला है ना कि भाई आपके लिए नई वैकेंसी नहीं आएगी, तो सिंपल सी बात है नई के बारे में बात का मतलब है कि आने वाले एक दो साल में कोई नई भर्ती का अनाउंसमेंट नहीं होगा। अरे ये तो हमको पहले से मालूम है यार, वो तो इलेक्शन की वजह से ये भर्ती आई थी, इलेक्शन जो है हो गया इसलिए वैकेंसी डिले हो रही है, लेकिन डिले का मतलब ये नहीं कि पेपर होएगा नहीं। आपकी बात बिल्कुल सही है दोस्तों कि पेपर लेट हो रहा है, वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये नहीं होएगा, समझ गए। पहली बात तो ये चीज क्लियर कर लो अपनी। दूसरी बात दोस्तों यहाँ पे कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर ये कौन से एग्जाम के लिए होने वाली है, तो मैं आपको ये बता देता हूँ दोस्तों कि ये क्लासेस जो है वो SSC कैटेगरी में होगी अनअकैडमी पे, लेकिन ये मैंने आपको जितने भी एग्जाम यहाँ पे बताए ना, बैंक, SSC, CDS, DRDO, रेलवे, डिफेंस, UPSC, स्टेट, SSSC, सभी एग्जाम्स के लिए है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि लेना कैसे है, आपको ये फ्री क्लासेस कैसे मिल सकती है। सबसे पहले आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप है जो कि आपको डाउनलोड करनी है, ठीक है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप आपको यहाँ पे डाउनलोड करनी है। डाउनलोड करने के बाद में दोस्तों जो मेरी क्लासेस अनअकैडमी के ऊपर होने वाली है वो मैं आपको यहाँ पे करंट अफेयर्स और जीके के अंदर यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ओके, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, सब कुछ मैं यहाँ पे आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जीके डोज नाम से दोस्तों आपको डेली जो है ये आपको क्लासेस मिलेगी, मंडे टू फ्राइडे डेली सुबह 12 बजे, ठीक है गाइस, मंडे टू फ्राइडे डेली सुबह 12 बजे। देखो मेरी YouTube पे क्लासेस नहीं हो पाती, आपको मालूम है शेड्यूल बहुत पैक होता है, और मेरी करंट अफेयर के अलावा मैं कोई क्लासेस आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी या फिर कोई करंट अफेयर के नहीं ले पाता हूँ। करंट अफेयर तो मैं आपको YouTube पे भी अवेलेबल करवाता रहता हूँ, लेकिन बाकी जो है मैं आपको नहीं पढ़ा पाता हूँ, ठीक है गाइस। तो डेली सुबह 12 बजे जो है मंडे टू फ्राइडे मेरी क्लास होने वाली है, कैटेगरी जो होगी वो SSC कैटेगरी के अंदर होगी। उसी प्रकार से रीजनिंग की बात करें दोस्तों, तो रीजनिंग की क्लास 7 दिन आप लोगों के लिए चलने वाली है, हितेश सर आपको पढ़ाने वाले डेली सुबह 8 बजे, बिल्कुल डेली सुबह 8 बजे, हाँ बिल्कुल,
बताएंगे इसके बारे में? बिल्कुल, डेली सुबह 8 बजे आपको जुड़ना है और मंडे टू संडे हम आपके साथ हैं, बट आपको इसमें साथ देना पड़ेगा, आपको लगातार आना पड़ेगा। आपके लिए हम लोग इतना एफर्ट लगा रहे हैं, आपके लिए हम सैटरडे संडे भी नहीं छोड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर कॉन्सेप्ट भी होगा और MCQ भी होगा और प्रीवियस ईयर भी होगा, तो आपके लिए बहुत बेहतरीन मौका है कि आप अपने आप को, आप सोचो भुवनेश्वर अगर 5 दिन क्लास ले रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। सर को बहुत सारा काम देखना पड़ता है, बहुत सारा चीजें हैं, और उसके बावजूद सर निकाल रहे हैं टाइमिंग और रीजनिंग जो है मैं आपको सुबह सुबह पढ़ा रहा हूँ, दिमाग भी फ्रेश रहता है बिल्कुल। तो आप आइए पढ़िए और चेंज महसूस करिए और लॉकडाउन में अपने आप को इतना तैयार कर लीजिए कि लॉकडाउन के हटते ही जैसे ही एग्जाम हो आप एग्जाम क्रैक कर दें। बिल्कुल सही है। तो उसके बाद में दोस्तों ये क्लासेस आपको मिलेगी कैसे, ये मैं आपको एक प्रोसेस बता देता हूँ। आपको करना क्या, अनअकैडमी लर्निंग ऐप है जो कि आपको डाउनलोड करनी है, समझ गए? डाउनलोड करने के बाद में देखो, अनअकैडमी लर्निंग ऐप है जो कि आपको डाउनलोड करनी है। डाउनलोड करने के बाद में आपको इसको ओपन करना है, ओके? जैसे कि यहाँ पे आपको देख सकते होंगे इंस्टॉल वाला ऑप्शन आ रहा है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप दोस्तों इंस्टॉल कर लो, ओके? उसके बाद में उसको ओपन कर लो। आप लोगों ने वैसे कर रखी होगी, वैसे डाउनलोड नहीं करी तो कर लेना एक बार, ठीक है? उसके बाद में इसको ओपन करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे आपके देख सकते हो आप कि आपको यहाँ पे कैटेगरी पूछेगा कि कौन सी कैटेगरी के अंदर आपको सेलेक्ट करना है इन क्लासेस को देखने के लिए। तो आपको SSC कैटेगरी की दोस्तों सेलेक्ट करनी है, समझ गए मेरी बात? अगर आपने ऑलरेडी यहाँ पे दोस्तों रेलवे कैटेगरी भी सेलेक्ट कर रखी है तो कैसे चेंज करना है कैटेगरी वो भी मैं आपको बता दूंगा, समझ गए? आपको फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले तो SSC कैटेगरी है जो कि आपको सेलेक्ट करनी है। अगर आपने रेलवे कैटेगरी सेलेक्ट कर रखी है तो चेंज कैसे करनी है कैटेगरी वो भी मैं आपको बता दूंगा, थोड़ा सा होल्ड कर लो। SSC कैटेगरी में जाने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे सर्च करना है। दोस्तों यहाँ पे सर्च करने का ऑप्शन आएगा, ये वाला देखो, यहाँ पे आपको सर्च करना है भुवनेश शर्मा मेरा नाम, या फिर आप हितेश मिश्रा, ये दोनों नाम है जो कि आपको सर्च करना है। पहले फॉर एग्जांपल मेरा नाम सेलेक्ट सर्च कर लो या हितेश सर का सर्च कर लो। सर्च करने के बाद में दोस्तों आपको फॉलो करना पड़ेगा सारी फ्री क्लासेस के लिए। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे मेरा नाम जब आप डालोगे तो आपको यहाँ पे ऐसा बना हुआ आ जाएगा, ठीक है? वाईफाई स्टडी का लोगो बना हुआ आ जाएगा, तो इसके अंदर आप फॉलो कर सकते हो फॉलो वाले बटन को दबा के। फिर जितनी भी मेरी फ्री क्लासेस मिलेगी ना उसका आपको मैसेजेस आने लग जाएंगे, आपको पता लगने लग जाएगा। उसी प्रकार से हितेश सर का भी दोस्तों आपको यहाँ पे, ओके, हितेश सर का भी आपको यहाँ पे पता लग जाएगा। हितेश सर को भी आपको यहाँ पे फॉलो करना है। फॉलो करते ही दोस्तों आपको यहाँ पे आगे इस तरीके से कोर्सेज दिख जाएंगे। जैसे कि मेरा जो कोर्स है ना, जो कि मैं डेली आपको 12 बजे पढ़ाने वाला हूँ, ये डेली 12 बजे के अंदर आपको दोस्तों लेट्स क्रैक GK करंट अफेयर नाम से आपको कोर्स मिलेगा, ठीक है? आप देख सकते हो अभी एक दिन और तीन घंटे बाकी है, क्योंकि कल दोस्तों 12 बजे ये क्लास है जो कि मेरी होने वाली है, समझ गए? अभी 12 बजे क्लास हो जाएगी तो 1 दिन और 3 घंटे अभी बाकी है। इसी प्रकार से दोस्तों लेट्स क्रैक रीजनिंग नाम से भी दोस्तों आपको हितेश सर को फॉलो करने के बाद में क्लासेस मिल जाएगी। और आपको कैटेगरी कैसे चेंज करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे रेलवे कैटेगरी चूज कर रखी होगी, अब रेलवे कैटेगरी को चूज करने के बाद रेलवे को प्रेस करिएगा, यहाँ पे मैनेज गोल लिखा हुआ आएगा, मैनेज गोल्स, तो अपने गोल को दोस्तों मैनेज करिएगा और उसके अंदर क्या करिएगा, कैटेगरी SSC कर लीजिएगा, समझ रहे हो? कैटेगरी जब SSC सेलेक्ट कर लोगे तो उसके बाद में आपको अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। हिंदी लैंग्वेज के अंदर ये कोर्स आते हैं आप सभी लोगों के लिए, तो हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिएगा, लर्निंग के ऊपर स्टार्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में टाइटल मिलेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया दिया लेट्स क्रैक GK करंट अफेयर, लेट्स क्रैक रीजनिंग नाम से, ओके? ये सब क्लासेस आपको फॉलो करने के बाद मिल जाएगी, ठीक है गाइस? तो इस तरीके से आप इन क्लासेस का पूरा फायदा है जो कि उठा सकते हैं। जैसे कि मैं आपको फिर से एक बार बता देते हैं हितेश सर आपको कि कैसे आपको ज्वाइन करना है। हितेश सर एक बार समझा दीजिए। तो शुरुआत से मैं समझा देता हूँ चीजों को, आप देख लीजिए। जैसे आप देख पा रहे हैं कि आप सबसे पहले स्टेप वन में आपने क्या किया, अनअकैडमी लर्निंग ऐप सर्च किया। उसके बाद अगले स्लाइड पे जब आप जाते हैं तो अगला स्लाइड पे चलते हैं, फिर तो ओपन करेंगे जैसे लर्निंग ऐप, फिर आप गोल में SSC सेलेक्ट करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जहां पे सर्च की बात आएगी सर अगले स्लाइड पे चलते हैं, तो जहां पे ये इंपॉर्टेंट चीज है, जहां पे सर्च की बात आएगी वहां पर आप हितेश मिश्रा या भुवनेश शर्मा, हितेश मिश्रा या भुवनेश शर्मा आप जब सर्च करेंगे, हितेश मिश्रा सर्च करेंगे तो मेरा मिल जाएगा, सर का सर्च करेंगे भुवनेश शर्मा तो सर का मिल जाएगा। सर ने अभी फोटो नहीं लगाया है, हम रिक्वेस्ट करेंगे सर से कि सर फोटो लगा दे ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो, तो फोटो लगा देंगे सर आज। और फिर आप ये फॉलो कर लें, और फॉलो करने के बाद हम लोगों का जितना भी फ्री क्लास है, वैसे तो आपको टेंशन की बात नहीं है, मेरा सुबह 8 बजे है और सर का जो है 12 बजे दिन में है, तो ये फिक्स हो गया।
तो आज ही जाएं एसएससी कैटेगरी में और ये दोनों नाम इतना सर्च करें कि बच्चों को खुद ही दिखने लगे हितेश मिश्रा और भुवनेश शर्मा। तो ये दोनों चीज आप जब जाएंगे और फॉलो कर लेंगे तो क्लासेस हमारा जो आने वाला है, जो हमारा होने वाला है, वो आपको दिखना शुरू हो जाएगा। तो आगे सर कैसे करना है, क्या करना है? फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं सर की क्लासेस ऑलरेडी है और यहाँ पर सर ने बना दिया और हमने भी बना दिया है क्लास को। आप अभी जाकर वहां पर इनरोल कर लें और नोटिफाई वाले पर क्लिक कर दें। जैसे ही क्लास होगा आपको नोटिफिकेशन उससे पहले चला जाएगा। कैटेगरी चेंज करने की बात करें तो यहाँ पर आप अगर मान लीजिए किसी कैटेगरी में ऑलरेडी हैं लेकिन आपको हमारे क्लास देखना है तो आप उस पर थोड़ा सा क्लिक करेंगे और वहां पर मैनेज गोल आएगा और वहां पर आप हमारा कैटेगरी जो है एसएससी वहां जा सकते हैं और वहां पर आप हमारे क्लास को देख सकते हैं। जी सर, कैटेगरी मैनेज में जाके आपको एसएससी कैटेगरी यहां पे सेलेक्ट करनी पड़ेगी, लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी। उसके बाद में दोस्तों आपको ये सारे टाइटल जो है मैंने आपको बताया दिया, इन टाइटल के द्वारा दोस्तों आपको यहां पे क्लासेस है जो कि मिल जाएगी। तो होपफुली दोस्तों सर बच्चों में आ गया होगा आप लोगों ने। वैसे कल नीरज सर और साहिल सर ने भी आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से उनकी क्लासेस भी आपको ये फ्री क्लासेस है जो कि आपको मिलेगी। ठीक है गाइस, तो होपफुली कि आपको ये सारी क्लासेस के बारे में पता लग गया होगा कि कहां पे मिलती है। अगर आप फॉर एग्जांपल आपने अनअकैडमी आप डाउनलोड कर रखी है, नीरज सर को भी आपने क्लासेस को फॉलो कर रखा है, साहिल सर को कर रखा है, अंकित सर को कर रखा है, विशाल सर है, किसी को भी आपने कर रखा है ना, तो आप वहां पे कुछ नहीं करना, बस आपको नाम सर्च करके आपको फॉलो कर लेना है और आपको वहां पे ऑलरेडी सारी क्लासेस मिल जाएगी। ठीक है गाइस, जितनी भी क्लासेस आप चाहते हो ना, जीके की हो गई, रीजनिंग की हो गई, मैथ की हो गई, सारी क्लासेस आपको वहां पे अवेलेबल हो जाएगी। ओके गाइस, तो होपफुली कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपके कोई डाउट है तो आप डाउट यहाँ पे दे सकते हैं और ये बिल्कुल फ्री है यहाँ पर। ये फ्री है आप लोगों के लिए, फ्री क्लासेस है दोस्तों जो कि एकेडमी में फॉलो करने के बाद आपको मिल जाएगी। ठीक है गाइस, तो होपफुली आपको पूरी बातें समझ में आ गई होगी। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और इसी तरीके से पढ़ते रहिए। जितना हो सके आप लोगों के लिए फ्री क्लासेस भी आ रही है, इसके अलावा प्लस ज्वाइन कर सकते हैं, प्लस भी कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी पढ़ सकते हैं। आपके पास पढ़ने के लिए कॉन्टेंट की कोई कमी नहीं है गाइस, सिर्फ और सिर्फ आपको मोटिवेशन जो है बनाए रखो और अपनी अच्छी तैयारी करो। ठीक है, चलिए दोस्तों आज के इतना ही। उम्मीद करते हैं आप वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू, गुड बाय। Bye-bye. Bye.